पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर रसोई गैस, इसका सीधा सीधा असर महंगाई पर पड़ता नजर आ रहा है और इसी के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर आक्रामक है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कोपरगांव शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन केंद्र सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ईंधन की लगातार बढ़ रही कीमतों का असर रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले वस्तुओं पर भी पड़ने लगा है, जिससे आम जनता महंगाई से जूझ रही है। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की है कि केंद्र सरकार को कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। तो वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में कोपरगांव तहसील में बुधवार 20 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल, एसजी विद्यालय, संभाजी महाराज मेमोरियल, अन्ना भाऊ साठे मेमोरियल, बस स्टैंड से लेकर तहसील कार्यालय तक साइकिल रैली निकाली गई और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगों से संदर्भित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से कोपरगांव तालुके के कार्यकुशल आमदार माननीय श्री आशुतोष दादा काळे इनके मार्गदर्शन में यहाँ पर साइकिल पर रैली निकालकर मोर्चा तहसील को लेकर आए थे। मोर्चा इसलिए था क्या 2014 में अच्छे दिन आएंगे ये कहकर मोदी सरकार केंद्र में आई, लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन इस भारतवर्ष को उन्होंने तब से लेके तो अब तक बुरे ही बुरे दिन दिए। तब पेट्रोल 60-70 रुपए होता था, डीजल 50 रुपए होता था और गैस 450 के आसपास होता था, लेकिन आज आप देखेंगे पेट्रोल 120 रुपए हो चुका है, डीजल 100 रुपए हो चुका है और रसोई गैस जो है वो 1000 के करीब है। तो इसका निषेध करने के लिए आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ कोपरगांव तहसील में मोर्चा लेकर